हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मार्स ब्यूटी शैडो पैलेट से मैं आप लोगों को आई मेकअप बताने वाली हूँ। बिल्कुल ही ईजी है और बिल्कुल ही सिंपल है। आप बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। यहाँ पर मैं पीच सेड ले रही हूँ और मैं उसे पूरे आईलेट पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। स्क्रीन पे जो मैंने अभी आई शेडो पैलेट दिखाया ना, उसमें से मैंने पीच सेड लिया है। अगर आपके पास नहीं है पीच सेड तो आप पिंक कोई भी सेड यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मैं पीच ही लूँगी। इसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है अपने आईज पर। आईलाइनर ले रही हूँ, ग्लिटर आईलाइनर है। इसे एज ए मैं आई शेडो यूज करने वाली हूँ अपने इनर कॉर्नर से। आईलिड हाफ कट क्रीज ड्रॉ करना है, यहाँ से ऐसे अप्लाई करेंगे धीरे धीरे और अपने इनर कॉर्नर तक ले जाएंगे और इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ग्लिटर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे एक फ्लफी ब्रश से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से ब्लेंड होता है तो थोड़ा नेचुरल लुक आता है। उसे ब्लेंड नहीं हो रहा था तो मैं फ्लैट ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा हार्श रहता है इसीलिए इसे अच्छे से ब्लेंड होता है। यहाँ पे मैं एडीएस का जेल आईलाइनर ले रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है और प्राइस में तो मतलब बजट में तो है ही और अच्छा भी है, ये बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आईलाइनर मैंने ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा इनर कॉर्नर को भी आईलाइनर से इनहेंस कर लेंगे। ये अब हमारा हो गया है आईलाइनर। अब मैं यहाँ पे अपने लोअर लैश लाइन को मैरून शेड ली हूँ मैं, उसे अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ और जस्ट दोनों आईज पे मैंने ब्लेंड किया है। और जो हमने पीच शेड अपने आईज पे यूज़ किया था ना, उसे हम थोड़ा सा मैरून शेड के नीचे अप्लाई करेंगे। भी मैं स्क्रीन पर दिखा दूँगी मैं कौन सा शेड यूज कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैरून शेड मैंने लिया है। उसके बाद मैंने ये जो पीच अप्लाई किया था अपने आईलिड पे उसे लिया है। अपने आईज को बोल्ड दिखाने के लिए यहाँ पे मैं ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ। आप वाइट भी यूज कर सकते हैं मगर ब्लैक ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि हमने आईज पे मेकअप थोड़ा हल्का किया है ना, मतलब न्यूट सा किया है, तो उसके साथ ये ब्लैक अच्छा जाएगा। ये हिमालय काजल है, ये मैंने 10 रुपीज़ में लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ, इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लेंगे। अब मैं थोड़ा मस्कारा से अपने आईलैश को अच्छे से कर लेती हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे फेक लेसेस लगा के। ये हमारा फाइनल लुक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।